साथियों एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोग का स्वागत है। साथियों जो आदेश आया है उसके बारे में बताएंगे, आगे की तैयारी के बारे में बताएंगे कि आगे हमारी क्या तैयारी है और कैसे हम आगे जीत मिलेगी ये भी जो है बताएंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। पहला हमारा ये है कि जो है आदेश में कुछ लोग कह रहे हैं आदेश में कि 24 फरवरी का उल्लेख है। अब आप सतर्क हो जाइए, 24 फरवरी का उल्लेख है यहाँ पे, 11 दिसंबर का उल्लेख है, शिक्षा मित्रों का उल्लेख है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा शिक्षा मित्रों का उल्लेख है इसका मतलब क्या हो गया कि इन सबको अब लाभ मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसे ही गुमराह करते हुए आईए डाल दिए, जब आईए डाल दिए और फिर इतनी अच्छी अच्छी बात करने लगे, कोई माँ की कसम खा रहा है, कोई बाप की कसम खा रहा है, कोई पिता की कसम खा रहा है कि हम जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और आइए डालते समय अच्छा नहीं किए थे। दूसरी बात यह है 24 फरवरी में इस अगर लिखा गया इसका मतलब इनको लाभ मिल रहा है, 11 दिसंबर 2016 लिखा गया मतलब इसको लाभ मिल गया, 90-97 लिखा गया इसके मतलब इसको लाभ, गजब की बेवकूफी है। शिक्षा मित्रों को लिखा गया इसके मतलब इसको लाभ मिल गया, 580-800-391 के लोगों को नियुक्ति मिल गई इसके मतलब इनको लाभ मिल गया, 580 को लिखा दिया गया इसके मतलब इसको लाभ मिल गया, गजब के। जब आप लोग स्वयं खुद इसमें विश्वास कर कैसे करेंगे या इसमें स्वयं मंथन करिए कि क्या अगर ये आदेश में लिखा गया तो उसका हो गया। अरे मूर्खो, जब सुनवाई के समय तुम नहीं थे या सुनवाई के समय वो उपस्थित नहीं था, क्या बहस हुआ? जो बहस होता है उसी को लिखाया जाता है। बहस के दौरान वो बहस कौन किया है? जितनी भी चीजें लिखाई गई आदेश में, बहस के समय तुम थे नहीं, तुम क्या जानो? बहस के समय सरकारी वकील ने जो जो कहा है कुष्मांडा शाही ने जो जो शब्द कहा है वही वही हूबहू शब्द जो है आदेश में लिखा दिया गया है, कहीं कोई दूसरा शब्द नहीं लिखा है। कुष्मांडा शाही ने कहा था 2011 की भर्ती थी, फिर जो है नया विज्ञापन आया, फिर जो है टंडन के बेंच में गए, फिर चंद्रचूड़ के बेंच से निस्तारण हुआ, ये कुष्मांडा शाही ने अपनी जो है एक जो है सचिव का उसमें SLP पड़ी हुई थी, एक बेसिक शिक्षा की पड़ी हुई थी, दो SLPयां पड़ी हुई थी और दोनों में ही था, उसी के आधार पे उन्होंने कहा। इसमें शिक्षा मित्रों भी थे, बाद में शिक्षा मित्रों की सीटें रिजर्व थी, बाद में आदेश हुआ 24 फरवरी के कंप्लायन का, फिर दिसंबर में हुआ, लेकिन जब फाइनल आदेश हुआ तो इन सबको हटा दिया गया। ये आदेश में कहा गया, ये नहीं कहा गया 24 फरवरी को नियुक्ति दीजिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये शुरू से पूरी जब जब भर्ती हुई है, जब जब स्टार्ट हुआ तब तक उल्लेख किया गया है। अरे तुम उस समय 13 तारीख को थे नहीं, 12 को थे नहीं, 11 को थे नहीं, आइए डाल के घर बैठ गए, माँ बाप की कसम खा रहे थे कि अम्मा की कसम खा रहे हैं, मम्मा की कसम खा रहे हैं, अम्मी की कसम खा रहे हैं, नौकरी कर रहे हो और बता रहे हो कि इतना लंबा चौड़ा और कहीं कुछ है ही नहीं इसके बारे में। अब कुछ लोग कहेंगे शिक्षा मित्रों को लिख दिया गया शिक्षा मित्रों को नौकरी दे दिया जाए, 580 लिख दिया गया 580 नौकरी, अरे ऐसा कहीं कुछ नहीं है। फाइनल आदेश में उन्होंने एक ही शब्द लिखा है, अब आप सोचिए 104 नंबर पे एक ही शब्द उन्होंने लिखा और 21 पैरा 20 पैरा और पैरा 104 में डायरेक्ट शब्दों में लिख दिया गया है कि बहुत सारी SLPयां दाखिल हुई, उसमें उन्होंने प्रेरित किया है कि मैं जो है हाई मेरिट है, कि ऑल द पिटिशनर हैव हाई मेरिट आर इक्विवेलेंट मेरिट तो 12091 बट आई एम नॉट इंक्लूडेड इन लिस्ट 12091, मतलब हम उस लिस्ट में नहीं है, मेरा जो है नंबर ज्यादा है फिर भी हम उस लिस्ट में नहीं है, ये मेन पॉइंट है। और जितने भी पॉइंट थी वो तो हिस्ट्री हुई कि जब से भर्ती हुई तब तक उसी को लोग गुमराह करना चालू कर दिए आज से। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, आइए फिर डाल रहे थे, फिर जो मीठी मीठी बात करके 1-2 हजार को जोड़ करके, कोई 500 में जोड़ लेगा, कोई 1000 में जोड़ लेगा,
अब आप ये बताओ 1000 रुपए में जोड़ करके क्या वो सीनियर रखेगा, 500 रुपए में सीनियर रखेगा, नहीं रखेगा, आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा। रीट मेन होती है जब तक एसएलपी मेन, जब तक रीट में आप नहीं जुड़ोगे और रीट के माध्यम से आप अपनी बात नहीं कहोगे तब तक वहां आपकी सुनवाई नहीं होती है। आइए ध्यान दीजिएगा, इंप्लीमेंट एप्लीकेशन और रीट में अंतर क्या है। रीट मेन होती है, रीट में ही जाके टैग होता है। क्या टैग होता है? आइए इंप्लीमेंट एप्लीकेशन होती है, कभी भी उल्टा इसमें टैग नहीं होता कि आइए डाल दीजिए और जाके रीट टैग हो जाए, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है, ना कहीं रूल रेगुलेशन है। जब आपकी रीट पड़ी हुई थी इंप्लीमेंट के तहत इसमें जोड़ा जाता है कि माय लॉर्ड हम भी इससे प्रभावित हैं और आपका पैसा बचत हो जाएगा, सीनियर खड़ा हो जाएगा। पहली बात ध्यान दीजिएगा, जब सीनियर की पारी आती है संख्या ये सब जुटा लेंगे माँ बाप करते करते, लोगों को गुमराह करते करते, फिर जब सीनियर की पारी आएगी तो भाग जाएंगे। एक ही सीनियर को 4 लोग बताएंगे बैठ करके, हमारा सीनियर, हमारा सीनियर, हमारा सीनियर, और वो सीनियर है ही नहीं, मोस्ट सीनियर को ले ही नहीं गए, केवल क्या किए जूनियर को सीनियर बना दिए। सब ये सीनियर है, वो सीनियर है, कोई दुबे है, कोई कुछ है, कोई सिंह है, कोई श्रीवास्तव है, उसी में ही उसको सीनियर बना गया। 3-4 सीनियर थे वहां में, अशोक खरे साहब थे और एक आपके थे क्या राधाकांत ओझा साहब थे, जेके सिंह थे, एक जनी और थे, यही मिला के 4 ही सीनियर थे। उसके बाद सबको सीनियर में शामिल किए बैठे। इसके मतलब आपकी मनसा स्वयं आपको पढ़ना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये सच्चाई बतानी चाहिए, और जब तक सच्चाई नहीं पता चलेगा तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। फिर आपको ले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे बस आ जाइए फिर आइए डाल के भाग जाएंगे, वहां आपको कोई मतलब ही नहीं रखेंगे। होता क्या है, रीट के माध्यम से जुड़ने से इसी पे ही सरकार को नोटिस जाएगी और यही मेन होगा, इसी पे आर्गुमेंट होगी। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं, हमारा तो प्रॉपर चैनल है, मैंने कोई रीट आइए नहीं डाला हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में रीट डालने की क्या जरूरत थी, पैसा बचत कर लिए ना, सीनियर ले गए, हाई कोर्ट में लोगों ने आइए डाल के बैठ गया। अब वो लड़के बौखला रहे हैं कि हम तो करें क्या करें, आइए डालना ही नहीं चाहिए था, उनकी जिंदगी को तुम वही खत्म कर दिए। अब आइए वाले, अब यहाँ पे क्या हुआ ना, हाई कोर्ट के सिंगल में रहे ना डबल में रहे, ये कहां पहुंच गए, डायरेक्ट आइए आइए खत्म हो गई। इसीलिए कहा जाता है जब रीट में जो लोग सिंगल बेंच में रीट में थे, हमारे पास हमारी सिंगल बेंच में रीट पड़ी हुई थी, जब वो वही मेन है सिंगल वाले, रीट वाले सिंगल में जो रीट में है वही एक ऐसा है कि जो प्रॉपर सिंगल से डबल, डबल से सुप्रीम कोर्ट जा रहा है वही मेन प्रॉपर चैनल वाले हैं और उन्हीं की बातों को सुना जाएगा। हाँ, कुछ लोग डायरेक्ट एसएलपी में आ गए हैं, अगर एसएलपी में वो मौजूद हो गए वो भी मेन हो गए, लेकिन आईए वाले कहीं मेन में नहीं है, ना उनकी बातों को सुनवाई होगी। इसलिए सभी से कहते हैं सच्चाई जरूर जानो कि आखिर में होगा क्या। हाँ, रही बात कि आदेश में इन्होंने आदेश बहुत गलत लिख दिया है, आदेश में इनके कुछ नहीं है, केवल सरकारी वकील को बैठा करके आदेश को लिखा दिया गया है, इसलिए आगे चल करके आपको लाभ मिलेगा, जीत सुनिश्चित है। और 90-105 के मुद्दे पे, हमारा जो 90-105 का मुद्दा है यही मेन है, और इसमें इन्होंने लिख दिया कि आल द पिटिशनर हुच है, इनका प्रेयर क्या था, माय प्रेयर आल द पिटिशनर हुच इक्विवेलेंट मार्क्स आर हायर मार्क्स 12091 विद नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 12091, तो इसी के आधार पर हमको लाभ मिलेगा और आगे की लड़ाई जारी रहेगी और ईश्वर ने चाहा तो सफलता अवश्य मिल जाएगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।